जय कृष्णमूर्ति की बुक फ्रीडम फ्रॉम द नोन। फ्रीडम फ्रॉम द नोन को एक मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। फ्रीडम फ्रॉम द नोन बुक में कई सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन बेसिक और सेंट्रल मैसेज क्या है फ्रीडम फ्रॉम द नोन का? फ्रीडम फ्रॉम द नोन, जो आप जानते हैं उससे आज़ादी, जो भी आपके पास नॉलेज है उससे आज़ादी। देखिए, आपकी लाइफ में कभी भी डेथ आएगी। जिस दिन आपकी लाइफ में डेथ आएगी, उस दिन आपकी सारी नॉलेज जो है वो खुद पर खुद एंड हो जाएगी। फोर्सफुली वो डेथ जो है ना, आपकी सारी नॉलेज छीन लेगी। चाहे आप कितने भी बड़े पर्सन हैं, चाहे आपके पास्ट के जितने भी हर्ट्स हैं, आपकी पास्ट की जो है वो मेमोरीज हैं, आपकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस है, सब कुछ डेथ छीन लेगी, आपको खाली कर देगी। जो काम डेथ आपको करेगी आपके साथ, वो काम आप क्यों खुद अभी ना कर दें? यानी जो नेसेसरी नॉलेज है उसके अलावा जितनी भी नॉलेज है, एक्सेप्ट कि नेसेसरी नॉलेज जो है, जैसे ड्राइव करने के लिए, घर जाने के लिए नॉलेज है, प्रोफेशन में जो नॉलेज काम आती है, ठीक है, ये जो नॉलेज है, जो नेसेसरी नॉलेज है, बस वो रखें। और बाकी सारी नॉलेज, किसने मुझसे क्या क्या कहा, पास्ट के हर्ट्स जो हैं, ब्रेकअप्स जो है, लड़ाई दंगे, ये एग्रेशन, ये सारे की सारी जो नॉलेज है, साइकोलॉजिकल नॉलेज, हम उसको जो है वो बिल्कुल अभी ख़त्म क्यों ना कर दें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे अपने आप को बहुत ही पीसफुल स्टेट में, हमारा माइंड एकदम काम हो जाएगा। और उस टाइम पर एक ऐसी स्टेज आएगी, तभी हम समझ सकते हैं द होल क्रिएशन, गॉड क्या है। अभी हम, हमारा माइंड भरा हुआ है और हम भरे हुए माइंड से चीज़ों को जज करते हैं, समझते हैं। और जब आपकी नॉलेज, जब आपका माइंड नॉलेज से फ्री होगा, तब आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये थी फ्रीडम फ्रॉम द नॉन इन वन मिनट।